हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जून टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये लिंक देख सकते हैं, जून टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट 2024 स्टेटस एज ऑन 14th of June। सो इस लिंक के बारे में और जून एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। जब से ये लिंक सभी के सामने आया है तब से इस लिंक के फेक और रियल होने के बहुत से क्लेम्स आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आइए को जानते हैं ये लिंक एक्चुअली में फेक है या फिर रियल। सो फ्रेंड्स, इग्नू हमेशा अपना रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज करता है। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अर्ली डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप किया है सभी स्टूडेंट्स का पहले रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो पब्लिश होगा। सो जैसे कि अभी आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए हैं 7th of June से और आज 15th of June है और ये लिंक आप देख सकते हैं जहाँ पर 14th of June मेंशन किया गया है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। जहाँ पर आप टर्म एंड पर क्लिक करेंगे सो आपके सामने सभी लिंक्स ओपन हो जाएंगे जो भी दिसंबर और जून टर्म एंड एग्जामिनेशन लिंक्स हैं। सो आपको यहाँ पर कोई भी लिंक देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये लिंक है ये ऑफिशियली इग्नू की वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया गया है। हो सकता है इस लिंक को किसी ने अपने आप क्रिएट किया है और ये लिंक वायरल हो चुका है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस होते हैं अपने रिजल्ट्स को लेकर, जैसा कि इग्नू में रिजल्ट की अपडेट पब्लिश की जाती है। बट फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचिए, 7th of June से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए हैं और कुछ स्टूडेंट के अभी तक एग्जामिनेशन स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, उन्होंने अपना फर्स्ट एग्जामिनेशन भी नहीं दिया है और आज 15th of June है एंड इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इतने दिनों में आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए। और अगर ऐसा होगा तो वो लिंक फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर पब्लिश किया जाता है और इग्नू की तरफ से आपको न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में या फिर अलर्ट सेक्शन में वो लिंक जरूर पब्लिश किया जाता है। सो ये लिंक आप देख सकते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी नहीं है, बट ये लिंक ऑनलाइन बहुत वायरल है और बहुत से स्टूडेंट इसे चेक कर रहे हैं। जब आप इसे चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड लिखा हुआ नजर आता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, ये लिंक अभी एक्टिव ही नहीं है क्योंकि जब आपका रिजल्ट पब्लिश होने लगता है, जब रिजल्ट की अपडेट आने लगती है, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम नहीं दे रहे तो आप जानते हैं कि वहां पर आपको लिखा हुआ नजर आता है एनरोलमेंट नंबर नॉट found और रिजल्ट नॉट पब्लिश्ड। सो इस तरह से आपको लिखा हुआ नजर आता है, ऐसा कभी भी नहीं लिखा आता फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। सो इसका मतलब है कि जो ये लिंक पब्लिश किया गया है अभी इसमें इतनी सच्चाई नहीं है। अगर ये लिंक ट्रू होता, अगर ये लिंक रियल होता तो ये जरूर वेबसाइट पर भी पब्लिश किया जाता। हो सकता है आने वाले हफ्ते में ऐसा सेम लिंक आपको इग्नू की तरफ से देखने को मिले। जो लिंक होता है फ्रेंड वो सेम होता है। यहाँ पर रिजल्ट में आप देखिए क्लिक कीजिए और टर्म एंड पर आप क्लिक कीजिए, लास्ट रिजल्ट दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन का है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिंक सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का नेम होता है, जैसे यहाँ पर दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन लिखा है और यहाँ पर जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क होता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और ऐसा ना सोचे कि मेरा रिजल्ट पब्लिश क्यों नहीं हुआ या मुझे रिजल्ट क्यों नहीं शो हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नू में रिजल्ट की अपडेट आती है, कभी भी आपके सभी एग्जामिनेशन के रिजल्ट एक साथ नहीं आता। सेकेंडली, ये जो लिंक है फ्रेंड्स अभी एक्टिव नहीं है। जब ये एक्टिव होगा, जब इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर शो होगा तभी हम इसे ऑथेंटिक मानेंगे, अदरवाइज तब तक हम इसे फेक ही कंसीडर करेंगे। और जैसा कि आज 15th of June है और 7th of June से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए हैं, सो आपको आने वाले 7 से 10 दिन के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर लिंक जरूर देखने को मिलेगा। अर्ली डिक्लेरेशन का रिजल्ट है फ्रेंड्स आपका 12 to 15 days के बाद इग्नू की तरफ से पब्लिश कर दिया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट के लिए क्वेरीज हैं, जो भी क्वेरीज हमारे पास रिसीव हुई है रिजल्ट के रिगार्डिंग, सो मैंने इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 15th of July तक आपके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं, सो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में शेयर की है। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आई एम होपिंग कि आपको जरूर हेल्प करेगी। और अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट हेल्प बुक चाहते हैं तो gulibaba.com जरूर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेन्यू बार में हेल्प बुक सेक्शन में इग्नू की सभी प्रोग्राम डिग्री के हेल्प बुक्स मिल जाएंगी, सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।